नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बॉय, इसी स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल पे। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 2024 जो कि 22 मार्च से शुरू होगा और मई के लास्ट हफ्ते में इसका फाइनल खेला जाएगा। पिछले बार की तरह इस बार भी 10 टीमें रहेंगी। इस बार का आईपीएल पूरी तरह से इंडिया में नहीं होगा। आईपीएल के कुछ मैच किसी और कंट्री में कराए जाने की रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि श्रीलंका भी होस्ट करना चाहता है आईपीएल के मैचों को, और वहीं अगर यूएई या किसी और कंट्री की बात की जाए तो हर कंट्री आईपीएल को होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में आईपीएल के बचे हुए मैचों की होस्टिंग किस कंट्री को दी जाती है। जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी उसमें यही मालूम चल रहा है कि श्रीलंका ही पूरी तरह से कंटेंडर मानी जा रही है आईपीएल को होस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया में उस समय इलेक्शन का माहौल रहेगा, इसलिए पूरा आईपीएल इंडिया में होने की बहुत कम संभावना है। दूसरी तरफ अगर बात करूं गुजरात टाइटन की, तो गुजरात टाइटन से एक बुरी खबर निकल के आ रही है। बुरी खबर यह है कि मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से हो सकता है कि बाहर हो जाए। अभी जो जानकारी मिली है उस हिसाब से इंजरी के कारण हो सकता है कि 2024 के आईपीएल में मोहम्मद शमी हिस्सा न ले पाए। वहीं अगर बात की जाए आरसीबी टीम की, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम की कप्तानी विराट कोहली कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती कुछ मैचों में फैफ डिप्लेसिस अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसलिए हो सकता है कि शुरुआती कुछ मैचों में कप्तानी विराट कोहली ही करें। तो फिलहाल अगर आप आईपीएल 2024 की टिकट बुक करना चाहते हैं तो अभी आपको कुछ दिनों को और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बीसीसीआई ने इसका शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है। क्योंकि जब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा तब तक टिकट आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो फिलहाल जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि 14 फरवरी के आसपास में आईपीएल 2024 के टिकटों को लेके कोई नया अपडेट आएगा। तो फिलहाल अगर आपको टिकट बुक करनी है तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। टिकटों के प्राइस जो रहेंगे वो कई प्राइस में टिकटें आएंगी, लो प्राइस भी रहेगा, हाई प्राइस भी रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही टिकट बुक कर लेंगे तो आपको सस्ती वाली टिकटें मिल जाएंगी और आपके घर पर टिकटों की होम डिलीवरी कर दी जाएगी। तो आगे आने वाले दिनों में जो भी नया अपडेट आएगा वो मैं आपके सामने ला के देने की जरूर कोशिश करूँगा।